मौत की तारीख पता करनी है तो जाने यह चार संकेत। जिस तरह इंसान का जन्म सच्चाई, उसी तरह उसकी मृत्यु भी सच्चाई है। यह सत्य है कि जिस किसी ने भी इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे वह इंसान हो या कोई जानवर, उसकी मृत्यु निश्चित है। हालांकि यह पता करना सबसे ज्यादा कठिन है कि मृत्यु कब और कैसे आएगी। आज वेद संसार आपको ऐसे ही कुछ संकेत बताने जा रहा है, जिनके द्वारा यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि मौत कब आएगी। हालांकि इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह बात भी सच है कि मृत्यु के देवता यमराज हर इंसान को उसकी मौत से पहले चार संकेत जरूर देते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि उस व्यक्ति की मौत नजदीक है। गौरतलब है कि बहुत कम लोग ही इन चार संकेतों को समझ पाते हैं। किन्हें मिलती है यमराज की यह चार संकेतें? दरअसल पौराणिक कथाओं की माने तो सूर्य पुत्र यमराज ने अपने एक भक्त अमृत को यह वचन दिया था कि मरने से पहले वे सभी को चार संकेत अवश्य देंगे। बस उसी भक्त के वचन की लाज रखते हुए यमराज हर इंसान को उसकी मौत से पहले चार संकेत देते हैं, ताकि लोगों को इस बात का पता चल जाए कि उसकी मौत करीब है, जिससे वे अपने सभी अधूरे काम को पूरा कर सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चार खास संकेत अकाल मृत्यु वालों को नहीं मिल पाती है। ये चार संकेत केवल उन्हीं को मिलते हैं जिनकी सामान्य मौत होती है। आइए जानते हैं वह चार संकेत जो पहले ही दे देते हैं मौत की सूचना। देशबाल का सफेद होना, जान लें कि बढ़ती उम्र में जब शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो लेकिन बाल सफेद होने लग जाए तो समझ जाए कि अब आपके जीवन का अंतिम समय शुरू हो गया है। दाश दांतों का गिरना, वही जब ढलती उम्र में व्यक्ति के दांत अपने आप ही गिरने लग जाए तो इसका भी मतलब साफ है कि उस व्यक्ति की मौत नजदीक है। दाश कान, जबान व आंख सही से काम करना बंद कर दे। जब आपके कान को कम सुनाई देने लगे, हकलाना व साथ ही आँखों से बराबर दिखाई नहीं दे तो समझ जाइए कि यह मौत के संकेत हैं। दाश कमर झुकने लग जाए, यही नहीं उम्र के साथ जब आपकी कमर झुकने लग जाए और साथ ही जिसका शरीर अपना भार उठाने में ही असमर्थ होने लगे तो आप इसे भी मृत्यु के पास होने का संकेत ही समझें। बताते चलें कि जो भी यमराज के संकेतों को समझकर अपने अंदर के प्रेम का जागरण कर लेते हैं या फिर अपने जीवन के अच्छे अनुभवों को दूसरों में बांटते हैं, भगवान नाम का जप करते हैं व भजन आदि करते हैं तो जान लें कि उन्हें इस संसार से मुक्ति आसानी से मिल जाती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है।